वास्तव में आज हम हीट जो कि चैप्टर नंबर 4 है उसके ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं, उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में एक्सरसाइज होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हीट, हीट होता क्या है? तो हीट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हॉट या कोल्ड का सेंसेशन देता है। हीट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉट और कोल्ड। हॉट या कोल्ड अब क्या होता है? तो हमारे डेली रूटीन में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिसमें से कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। इसको हम किसी के कंपैरिजन में करते हैं, और इस जो हॉटनेस और कोल्डनेस रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। सो हेयर वी कैन से दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर एंड थर्मामीटर, टेम्परेचर और थर्मामीटर होता क्या है? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को उसका टेम्परेचर कहते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा। और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हॉट है और कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है। और इसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है। इसको जो है मेनली डिग्री सेल्सियस जो कि सीजीएस यूनिट है, नहीं तो डिग्री केल्विन में मापा जाता है। और इसमें डिग्री फारेनहाइट भी लिखा रहता है, डिग्री केल्विन जल्दी इसमें आपको नहीं मिलेगा, मेनली रहता है सेल्सियस एंड फारेनहाइट, जिसको हम सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। तो जो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई और भी थर्मामीटर होता है? तो जी हाँ, एक और थर्मामीटर रहता है जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अभी हम कुछ देर बाद इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है जिसमें एक बल्ब रहता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपके घर में बल्ब रहता है यानी जो जलता है एलईडी लाइट होता है उस वो बल्ब नहीं रहता है इसमें। इसमें एक अलग ही बल्ब रहता है जिसको जो एक टिप जैसा होता है, वहीं से जितना भी हीट रहता है वो अंदर में जाता है और उससे मर्क्यूरी एक्सपैंड या कंट्रेस्ट होता है। इसमें मर्क्यूरी होता है और कुछ कुछ और भी मटेरियल जैसे अल्कोहल भी कुछ कुछ यूज किए जाते हैं कभी कभी थर्मामीटर्स में। अब इस बल्ब के बाहर में हमें एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड लाइक मटेरियल दिखेगा जो कि मर्क्यूरी होता है। उसी से हमें अपना टेम्परेचर पता चलता है, वही हमें स्केल बताता है टेम्परेचर का। ये मेनली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस को रीड करने के लिए होता है। और साथ ही साथ इनफैक्ट हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 टू 42 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो इंसान ही नहीं वो बच सकता है। हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर भी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक थर्मामीटर है जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम किस लिए नहीं यूज कर सकते क्लिनिकल थर्मामीटर की जगह में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको हम रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। ऐसा किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक बल्ब है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बल्ब है, ये मेटल का बना रहता है ताकि वो हीट को कंडक्ट कर सके। ये जितने मेटल है नॉर्मली कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर होने के कारण वो जल्दी हीट इन्हें ट्रांसफर करेंगे जिससे मर्क्यूरी एक्सपेंड या कॉन्ट्रेस्ट होगा टेम्परेचर के मुताबिक। अब देख लेते हैं इसको हम वॉश क्यों करते हैं। मान लीजिए आप इसको माउथ में रखते हैं, तो माउथ में जब रखते हैं तो आपके माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इसमें हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए। और उसके बाद में अगर कोई और इंसान उसे यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उससे हो सकता है बैक्टीरिया उसको भी इन्फेक्ट कर दें। इसीलिए हम सबसे पहले इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं, और मर्क्यूरी लेवल को बिलो 35 डिग्री सेल्सियस या 35 तक रखते हैं। उससे ज़्यादा रखने पे ये हो सकता है कि सही रीडिंग ना बता पाए। उसके बाद फिर बल्ब को हम टंग के अंदर में रखते हैं।
टंग के ऊपर नहीं अंडर में रखते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं। अब ये इतना टाइम क्यों लेता है ये भी आपको पता चलेगा जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर बता सकता है और हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब हम देख लेते हैं इसको रीड करते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें लेने चाहिए, जैसे मर्क्यूरी एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, टॉक्सिक मटेरियल से हमें हार्म हो सकता है। वैसे ही हम आगे देखते हैं, हमें पहले थर्मामीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, जिससे हमें किसी और का इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ मर्क्यूरी लेवल को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, वरना ये हो सकता है सही रीडिंग ना दिखा पाए। और इसको जो है हमें एकदम स्ट्रेट साइट में रखना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि स्केल को अगर हम किसी अलग एंगल से अगर स्ट्रेट नहीं देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो वो हमें हो सकता है कि सही रीडिंग ना दिखा पाए। कारण वो अलग अलग एंगल से थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस हो जाता है। आप देखिए जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड करें तो उसको हम कभी भी बल्ब से नहीं छुएंगे। ऐसा किस लिए नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर हम बल्ब से छुएंगे तो वो हो सकता है हमारे हाथ का टेम्परेचर धीरे धीरे, हमारा हाथ मान लीजिए ठंडा है और पेशेंट जो है उसको फीवर है तो उसका गर्म हो गया थर्मामीटर। अब मान लीजिए हम वहाँ हाथ रखेंगे तो हमें हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। अगर नहीं हुई तो भी हमारे हाथ का वो कोल्ड जो है उसमें उसके जो अंदर का हीट है वो हमारे हाथ में हो सकता है ट्रांसफर होने लगे, जिसके कारण कि वो कॉन्ट्रास्ट हो जाए, सही टेम्परेचर ना दिखाए। और उसको वैसे अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम बहुत समय से वेट कर रहे थे। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर है जो कि लेबोरेटरी में यूज करने के पर्पस से बनाया जाता है। ये हमने देखा कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसको जो है लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे बॉइलिंग वाटर को हम क्या 45 डिग्री पर वो बॉयल होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस के पास में बॉयल होता है। तो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेक करने के लिए जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है, केमिकल्स कुछ भी, वो सब के लिए मेनली हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं। ये एक लॉन्ग लास्ट ट्यूब रहता है और इसका रेंज मैंने आपको बता ही दिया, -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं कितना लंबा थर्मामीटर है ये इसका बल्ब है, ये पीछे में एक लाइट है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कारण केमिकल्स का टेम्परेचर हमें पता नहीं होता है, वो हो सकता है वो 120 भी हो सकता है। और यहाँ देखिए कितना लंबा रेंज है इसका, इसके रेंज के कारण। और अब हम जान लेते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिकली थोड़ी, जैसे ही हम मान लीजिए बॉइलिंग वाटर से बाहर निकालेंगे तो तुरंत इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसको जो टेम्परेचर रहता है वो हमारे जो सराउंडिंग होते हैं उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हमने एक हॉट वाटर लिया बीकर में, अब उसमें हमने उसके बल्ब को डाला तो वो जो है उसका रीडिंग दिखाने लगेगा और रीडिंग को हम नीचे झुक के देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको निकाल लेंगे तो आप देखिएगा कि वो तुरंत गिर जाता है। ऐसे ही हम इसको रीड करते हैं, इससे हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं रीड कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमने अभी अपने माउथ में रखा हुआ है थर्मामीटर, अब हम माउथ से बाहर निकाले थर्मामीटर को, थर्मामीटर बाहर निकाला तो हो सकता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे गिर जाए, ऐसा तो हम नहीं चाहते। इसलिए हमारे अगर बॉडी में जब तक लगा हुआ है तभी तक वो टेम्परेचर दिखाएगा, उसके बाद फिर नहीं दिखा सकता है। इसीलिए हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसको नहीं करते हैं। अब इसको हमें यूज करते समय क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए इसको यूज करते समय, तो हमें इसे हमेशा वर्टिकली रखना चाहिए और साथ ही साथ इस बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस व्हिच टेम्परेचर इज टू बी मेजर, बिकॉज हो सकता है कि अगर कोई मान लीजिए आप आधा आइस और आधा लावा में रखेंगे उसको, तो एक साइड उसका बहुत हॉट हो जाएगा, एक साइड उसका बहुत कोल्ड हो जाएगा, तो उसका मेजर वो ठीक से नहीं दिखा पाएगा, ना वो कोल्ड का दिखाएगा ठीक से, ना वो हॉट का दिखाएगा। और इससे हो सकता है कि हमारा
थर्मामीटर डैमेज भी हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि इसके बल्ब को हमें टच नहीं करना चाहिए, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर के नहीं, ये तो और उल्टा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब को अगर हम टच भी कर देते हैं तो उतना ज़्यादा कुछ उसमें टेम्परेचर में उतना ज़्यादा गिरावट ऊँचा नहीं होगा, कारण उसका रेंज ही नहीं है उतना। वहीं अगर और से इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर इसका करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको टच करते ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से होने लग जाएगा। और इसको केयरफुली रखना चाहिए, कारण ये इतना लंबा रहता है कि हो सकता है कभी ये टूट जाए। ये इसलिए नोट द टेम्परेचर रीडिंग बाई कीपिंग द थर्मामीटर बल्ब इमर्स्ड इन हॉट वाटर। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ में फ्लो करता है। यानी मान लीजिए आपके पास दो टैंक्स है, एक ऊंचे है यानी एकदम माउंटेन पे है और एकदम ग्राउंड पे है। एक की हाइट है 8000 मीटर्स और एक की हाइट है 0 मीटर्स। अब देख लेते हैं अगर हम उसमें एक पाइप लगाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि नीचे से ऊपर की ओर पानी जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो ऊपर का पानी है वो नीचे की ओर आएगा, ना कि नीचे का पानी ऊपर की ओर जाएगा। वैसे ही जो गर्म ऑब्जेक्ट रहता है उससे ठंडी ऑब्जेक्ट की ओर हीट फ्लो करता है, ना कि ठंडी ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की ओर। अब देख लेते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, कारण हॉट यानी हायर टेम्परेचर एंड कोल्ड यानी लोअर टेम्परेचर, इसी चीज को हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। When two objects attain the same temperature, then the flow of heat stops. जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट रहता है उसका टेम्परेचर सेम हो जाता है हीट फ्लो होने के कारण। मान लीजिए एक गर्म लोहा है और एक ठंडा लोहा है। अब दोनों को अगर हम एक साथ रख देंगे तो दोनों से गर्म से ठंडे की ओर हीट फ्लो होगा, लेकिन वो तब तक ही फ्लो होगा जब तक वो दोनों में पानी इक्वल हो जाए। जब वो पानी इक्वल हो जाएगा उसके बाद फिर उसका फ्लो रुक जाएगा, उसके बाद फिर दोनों इक्वल रहेगा हमेशा के लिए। अब हम देख लेते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं जिससे ये हो सकता है। मेनली हम इसे तीन तरह से बांटते हैं। पहला होता है कंडक्शन, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हॉटर मटेरियल से कोल्डर मटेरियल में तो ट्रांसफर होता है, लेकिन ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है, जितने भी सॉलिड्स हैं ये सिर्फ उसी में होता है। और ये इसमें जो है कोई भी मॉलिक्यूल अपनी प्लेस नहीं चेंज करता है। यानी मान लीजिए कोई आयरन है, आयरन से हम हीट पास कर रहे हैं, तो आयरन के ऐसा नहीं है कि आगे अगर एक उसके आगे में लाल रंग का कर देंगे और पीछे में ब्लू रंग का, नाउ ऐसा नहीं है कि रेड रंग और ब्लू रंग दोनों अलग अलग हो जाएगा जैसे हम वाटर में देखते हैं। वहां पे सब अपनी प्लेस पर रहेगा, वो एक दूसरे को हीट पास करते जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से इक्विल ना हो जाए। इसको हम कंडक्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर देख लेते हैं हीट के, कि कौन कंडक्टर और कौन इंसुलेटर है, और ऐसे में कंडक्टर होता क्या है और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो कि अपने अंदर से हीट पास करने में बहुत ईजिली पास हो जाता है उनसे हीट। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सबसे जो है हीट बहुत ईजिली पास हो जाता है, इसलिए हीट के कंडक्टर हैं। अब हम देख लेते हैं ये इंसुलेटर के बारे में। वैसे मटेरियल जो कि हीट को पास नहीं होने देते हैं ईजिली, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। अगर हम मान लीजिए आयरन से पास करवाएंगे तो बहुत ईजिली पास हो जाएगा, वो भी कंडक्शन प्रोसेस से। वहीं अगर हम वुड से पास करवाना चाहें, प्लास्टिक से पास करवाना चाहें, तो इतना ईजी नहीं है उससे पास करना, इसलिए इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि दूसरी प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस है जो कि मेनली फ्लूइड्स, अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, तो फ्लूइड्स वैसे सब्सटेंस हैं जो कि गैस फॉर्म में रहते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फ्लूइड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजिली मूव कर सकते हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स जो एकदम चिपके हुए नहीं रहते जैसे सॉलिड के होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है जिससे कि इजिली मूव कर सके, और इनका कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता। इनका साइज जो है कंटेनर या जो प्लेस है उसके हिसाब से बदलते रहता है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड में मेनली हम
वाटर को लेते हैं। अब देखिए वाटर है लिक्विड में, अब उसको जब हम बॉईल करते हैं, मान लीजिए आप बॉईल कर रहे हैं वाटर को पीने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो पानी से बुलबुले निकलते हैं। और जो वाटर है, अगर मान लीजिए आप उसमें कलर डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कलर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, फिर घूम के नीचे की ओर धीरे धीरे जा रहा है। वो प्रोसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी प्लेस से मूव करते हैं, अपनी प्लेस से, ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड में बहुत वो ढीले रहते हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर मूव कर सकते हैं आराम से। ऊपर जब वो मूव करते हैं तो ऊपर के ठंडे पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो कि अभी गर्म नहीं हुए हैं, वो नीचे की ओर आते हैं। और यही प्रोसेस बार बार होते रहता है, जिससे कि ये जो है कन्वेक्शन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मेनली वाटर, और इससे अब हम देख लेते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में, जो कि इसी प्रोसेस पे बेस्ड है एक टाइप से। बस ये गैसेज का है, जैसे हमने जाना कि फ्लूइड्स में होता है तो गैसेज में भी तो होता है ये प्रोसेस, वही अब हम देख लेते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हॉट वाटर जो है वो लाइटर रहता है, और सॉरी हॉट एयर जो रहता है वो लाइटर रहता है और कोल्ड एयर हेवियर रहता है। अब हम देख लेते हैं इसी प्रिंसिपल पे ये कन्वेक्शन का प्रोसेस इसमें काम कर रहा है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई सी ब्रिज चलता है या लैंड ब्रिज चलता है कोस्टल एरियाज में मेनली, तो वहाँ पे ये होता कैसे है, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर। अब हम देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कि आज है दिन, अभी दिन हो रहा है, अब आप कोस्ट में देखेंगे कि सैंड रहता है, ये सॉइल रहता है, जो कि एक बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी वो हीट को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, और सनलाइट से जो उसको हीट मिलता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण कि धीरे धीरे एयर गर्म हो जाता है दिन में। और लेकिन आपको याद होगा कि वाटर जो है वो इंसुलेटर ऑफ हीट है, यानी उसमें जल्दी हीट कंडक्ट नहीं होता है। अब जब उसमें हीट जल्दी कंडक्ट नहीं होता है तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा, जिसके कारण कि वहाँ का एयर कूलर रहेगा। और यही अब हम देख लेते हैं, हॉट एयर जो रहता है वो रात में राइज कर जाता है, लेकिन वो जो सी है वहाँ पे गर्म हो जाता है, यानी वहाँ का जो नीचे वाटर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि दिन भर वो गर्म हो रहा है तो रात में गर्म हो जाता है। लेकिन रात में जब ठंडी होती है तब यहाँ लैंड जो होता है वो ठंडा हो जाता है, कारण वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसके कारण कि हॉट एयर ऊपर राइज कर जाता है लाइटर होने के कारण, कोल्ड एयर आगे आता है, जिससे कि सी ब्रिज चलता है। अब रात में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ गर्म हो जाता है, इसके कारण यहाँ का एयर फिर गर्म हो जाता है, और यहाँ का एयर गर्म होने के कारण फिर लैंड से ब्रिज चलता है। यही प्रोसेस बार बार होते रहता है, जो कि कन्वेक्शन का प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रेडिएशन। रेडिएशन का प्रोसेस कैसा होता है, तो रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ भी रेडिएट हो जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट बहुत जल्दी होता है। इसमें कोई मटेरियल या मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, यह हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर एकदम स्पीड में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सन का हीट, बीच में आपने अर्थ और सन के बीच में क्या एयर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वह एकदम वैक्यूम है, तो वैक्यूम से भी यह पास कर सकता है। वहीं अगर हम कंडक्शन या कन्वेक्शन की बात करें तो ये वैक्यूम से कभी पास नहीं कर सकता। सन से रेडिएशन होता है क्योंकि वो अर्थ में तभी पहुंच पाता है। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है बहुत इमिडिएटली एकदम पास करने लगता है, इसकी स्पीड बहुत हाई होता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। हीट के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, इन्हें हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच का हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज को बताना है। सबसे पहले इनके हम सिमिलैरिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोनों लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहते हैं, और दोनों में मर्क्यूरी रहता है, और दोनों में साथ ही साथ बल्ब भी रहते हैं। वहीं अगर हम इनके डिफरेंसेज की बात करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर में का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर का बहुत बड़ा रेंज होता है, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने में भी यूज कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, वहीं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने नहीं दे सकते हैं। इसको हम टिल्टेड भी रख सकते हैं
क्लिनिकल थर्मामीटर को हम टिल्टेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें हमेशा अपराइट या वर्टिकल रखना होता है। वहीं इसमें क्या जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है उसमें किंक भी रहता है, वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो किंक नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें दो एग्जांपल्स देना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में। कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, मेनली ऑल मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स ऑफ हीट रहते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है। अब हम देख लेते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट के बारे में, तो प्लास्टिक, वुड, ये सब इंसुलेटर ऑफ हीट हैं। अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द हॉटनेस ऑफ टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, किसी का भी हॉटनेस उसके टेम्परेचर से मेजर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, कारण उसका रेंज 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वही क्लिनिकल थर्मामीटर 45 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेनली कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम किससे माप सकते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर से, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर कैनॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। नाउ टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस या हम सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। अब नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड अ कप ऑफ हॉट वाटर, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एक कोल्ड स्टील स्पून है जिसको हम एक हॉट मिल्क कप में डिप करते हैं, तो उससे एक एंड से दूसरे एंड में हीट जो है वो कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर होता है? हमने पढ़ा था कि सॉलिड में कंडक्शन होता है, और साथ ही साथ उनमें किसी कोई भी मान लीजिए स्पून के आगे में फ्लैटन टाइप का रहता है, थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है, तो ऐसा नहीं कि वो पीछे की ओर मूव कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये कंडक्शन प्रोसेस होगा। अब क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, ऐसा इसलिए होता है कारण डार्क कलर जो है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, वही सी ब्रीज जो है वो डे के टाइम में होता है। अब हम देख लेते हैं डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि विंटर में ठंडी होती है और डार्क कलर क्लॉथ्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो हमें वार्म फील कराते हैं। वहीं लाइट कलर क्लॉथ्स अगर हम समर में पहने तो उससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। मान लीजिए सन से बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रहा है तो वो जो है बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, इसलिए हम समर में लाइट कलर क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं, वहीं विंटर में डार्क कलर क्लॉथ्स को। डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स अगर हम ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनेंगे तो उसमें ज़्यादा बीच बीच में जैसे एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कुछ एयर ट्रैप हो जाएगा जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हमारे बॉडी से जो हीट रिलीज होता है उसमें के ट्रैप्ड हो जाएगा, जिससे हमें ज़्यादा वार्मर फील होगा। वहीं अगर वो अगर उसके बीच में एयर नहीं होगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा, और जिसके कारण कि हो सकता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगे, इसलिए हम विंटर के टाइम में सिंगल लेयर क्लोथ्स से ज़्यादा डबल लेयर क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। अब हम देख लेते हैं, लुक एट द फिगर 4.13, नीचे में आपको ये देख सकते हैं 4.13 फिगर है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अब मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों प्रोसेस हो रहा है, तो कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है और रेडिएशन कहाँ हो रहा है। देखिए ये आप देख सकते हैं एक बर्नर है, ये बर्नर से जो यहाँ बाहर निकल रहा है मटेरियल इससे रेडिएशन हो रहा है, और ये जो मेटल का आप बर्तन देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कंडक्शन, और जो वाटर है उसमें हो रहा है कन्वेक्शन। अब हम देख लेते हैं रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट
फ्रॉम बर्नर टू पैन. पैन यानी द बीकर विच इज यूज्ड हियर इज अ मेटल. दस ये जो है एक सॉलिड मटेरियल है, उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है वहां तक, तो बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो रेडिएशन हो रहा है. और वहीं यहाँ आप देख सकते हैं कि कंडक्शन है जो पैन टू वाटर, यानी उसके बीच में एक मेटल है, हो सकता है वो स्टील हो, आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो सकता है. तो वो जो सॉलिड मटेरियल है उसमें कंडक्शन हो रहा है, और वहीं वाटर को आप देख सकते हैं उसमें कन्वेक्शन हो रहा है. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन प्लेसेज ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन. ऐसा इसीलिए होता है जहाँ पे मेनली हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि आपने अभी अभी हमने बताया कि जो लाइटर पेंट होता है, लाइटर कलर होता है, उसमें कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, वहीं डार्कर कलर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है. मान लीजिए जहाँ का जहाँ पे मेनली ज़्यादा हॉट रहता है, मान लीजिए डेजर्ट्स है, तो वहाँ पे अगर हम लाइटर कलर करेंगे तो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब होगा. जितना लाइटर कलर उतना कम हीट एब्जॉर्ब होगा, और जितना कम हीट एब्जॉर्ब होगा उतना घर हमारा ठंडा रहेगा. इसलिए हम वाइट से कलर करते हैं ताकि जितना भी हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारा घर कूल रहे. अब हम देख लेते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस. अब हमने ये जाना कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर मूव करता है जब तक वो इक्वल ना हो जाए. तो ये क्या होगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तक मूव करेगा, और 30 डिग्री सेल्सियस से कम तो हो नहीं सकता, कम वो जब इसमें मूव करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर कमेगा. इसलिए इसका आंसर होगा 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है. इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. अब हम देख लेते हैं एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल. यहाँ देखिए हमने जो ये क्वेश्चन देखा ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है. अब हम देख लेते हैं फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बोट. तो ये नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ऐसा इसीलिए होगा कारण दोनों का टेम्परेचर सेम है. अब इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल है. और जब इक्वल है तो कहीं से कुछ फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण कि दोनों का टेम्परेचर सेम रह जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वुडन स्पून है. वुडन स्पून में आपने उड से ही आपको पता चल रहा है कि एक बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ हीट है. इसको हम एक आइसक्रीम कप में डिप करते हैं तो इसका अदर एंड जो है वो कुछ भी नहीं होगा उसको अदर एंड को, कारण ये एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर से हीट पास नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स. द रीजन फॉर दिस कुड बी कॉपर बॉटम्स मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैंस अपीयर कलरफुल, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील. यहाँ पे होगा कॉपर जो एक बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से, जिससे कि हमें बहुत मदद होगा, क्योंकि पैंस में मेनली हम खाना बनाते हैं और खाना जितना जल्दी से जल्दी बन जाए उतना बेटर है, इसलिए वहाँ पे कॉपर रहता है. और ऐसा नहीं है कि ये कलरफुल होगा या वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, ये सब रीज़न नहीं है. मेन रीज़न जो इसका दिया गया है वो है कि ये बेटर कंडक्टर है. इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर